प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी थर्ड ईयर जो प्लांट फिजियोलॉजी हम कर रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी, उसके एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने बात की थी ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस की परासरण की, फिर हमने बात की थी ऑस्मोटिक प्रेशर की, परासरण दाब की, टर्गर प्रेशर, स्फीत दाब की और वाल प्रेशर भित्ती दाब की। इसके साथ साथ हमने बात की थी डीपीडी विसरण दाब न्यूनता की। उसी के आधार पर आज हम उनसे संबंधित कुछ टॉपिक की बात करेंगे कि प्लांट जो सेल है उसकी किस अवस्था में टर्गर प्रेशर, वाल प्रेशर या हम बात करें डीपीडी का जो मान है वो किस प्रकार से होगा। और हमने बात की थी कि इनके अंदर जल के मॉलिक्यूल्स का प्रवेश डायरेक्शन जो है वो किधर होगी, तो ये हमने बात की थी डीपीडी के आधार पर। तो आज हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक सेल है और उसकी कंडीशन कैसी है, पूर्ण स्फीत कोशिका कैसी है, पूर्ण इन केस ऑफ फुल्ली टर्जिड सेल। यानी कि हम बात करें कि सेल की ऐसी अवस्था जिसमें सेल क्या है, पूर्ण रूप से फुल्ली क्या है, वो टर्जिड है, स्फीत है। तो इस अवस्था में हम बात करते हैं यहां पर डीपीडी जो है इन केस, यानी कि ओपी का मान और डब्ल्यूपी का मान क्या होगा, समान होगा। यदि कोई कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत अवस्था में है, फूली हुई अवस्था में है, तो इसका मतलब है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर और वाल प्रेशर का जो मान है वो इक्वल होगा, समान होगा, तभी वह सेल जो है वो फूली हुई अवस्था में रह सकती है। तो यहां हम यदि डीपीडी का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, डीपीडी बराबर क्या था, ओपी माइनस टीपी। ओपी का मान यहां 12 दिया हुआ है, इसमें से माइनस करें, इसको हम टीपी भी कह देते हैं, ठीक है, टर्गर प्रेशर। तो यहां पर क्या आ जाएगा 12, तो यहां पर क्या आ जाएगा शून्य, क्या मान होएगा शून्य, यानी कि डीपीडी जो है यहां पर क्या है, शून्य है। तो इस प्रकार की कोशिका के अंदर जिसके अंदर डीपीडी का मान जो है वो शून्य होता है, इस प्रकार की सेल के अंदर जो है वो जल प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जल की मांग या जल की आवश्यकता जो है वो कैसी है, शून्य के बराबर है। तो इस प्रकार की घटना हम बात कर रहे हैं पूर्ण स्फीत कोशिका कैसी है, फुल्ली टर्जिड सेल के अंदर जल जो है वो प्रवेश नहीं करता है। इसी प्रकार हम बात करें दूसरी कोशिका के अंदर जिसका नाम है सलत्र या फ्लेसिड कोशिका, कौन सी है, सलत्र या फ्लेसिड कोशिका, सलत्र कोशिका में जिसको बोलते हैं हम इन केस ऑफ फ्लेसिड सेल, इन केस ऑफ फ्लेसिड सेल, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करें, इसके अंदर जो ओपी का मान है वो है कितना 10 और टर्गर प्रेशर का मान यहां पर क्या है शून्य। फ्लेसिड है तो उसके अंदर टर्गर प्रेशर
टर्गर प्रेशर जो स्पीड दाब है वो जीरो है और ओपी का मान यहाँ क्या है 10 है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, बीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस शून्य, तो क्या हो जाएगा 10। तो यहां बीपीडी का मान कितना हो जाएगा 10। तो डीपीडी का मान यहां पर ज्यादा है, तो इस प्रकार की कोशिका के अंदर हम बात करेंगे कि डीपीडी का मान ज्यादा है तो इस प्रकार की कोशिका के अंदर कौन सी कोशिका में, जो कोशिका कैसी है, फ्लैसिड है या सलट है, पिचकी हुई है, उसके अंदर जल जो है वो क्या करेगा, प्रवेश करेगा, जल की क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाती है। यहां हमने बात की थी पहली में जो जल है वो क्या नहीं करेगा, इंटर नहीं करेगा, और यहां जल जो है वो इंटर होगा। तीसरी जो अवस्था होती है सेल की वो है प्लाज्मोलाइज्ड सेल, कौन सी है, जिसको बोलते हैं जीव द्रव्य, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका जिसको प्लाज्मोलाइज्ड सेल, इन केस प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इस प्रकार की सेल के अंदर हम बात करें, मान लीजिए ओपी का मान कितना है 12, यहां पर टीपी का मान जो ट्रिगर प्रेशर है वो क्या होता है नेगेटिव में, शून्य से, पहले हमने बात की थी फ्लैसिड के अंदर क्या होगा, शून्य होगा, तो इसके अंदर मान लीजिए माइनस में है 2, और भी लिख सकते हो कुछ भी 3, 4। अब हम बात करें डीपीडी, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ओपी कितना है 12 माइनस टीपी का मान या माइनस, देखिए यहां माइनस ये है और यहां माइनस ये भी है, ठीक है। अब क्या होगा 12, देखिए यहां माइनस माइनस प्लस और ये 2, तो कितना हो जाएगा यहां पर 14। तो डीपीडी का मान यहां पर कितना हो जाएगा, इस फ्लैसिड से भी अधिक हो जाएगा, जिसके अंदर ऐसी कोशिका जिसके अंदर जीव द्रव्य भी क्या हो जाता है, कुंचित हो जाता है, तो वहां पर डीपीडी का मान बहुत ज्यादा होगा, और डीपीडी का मान ज्यादा होने की वजह से इस प्रकार की कोशिका के अंदर जल की जो है अधिक मांग होती है, और इसके अंदर अधिक जल जो है वो क्या करेगा, प्रवेश करेगा, अधिक जल जो है वो क्या करेगा, प्रवेश करेगा, अधिक जल जो है वो क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इसके आधार पर जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंसी, मिश्रण दाब न्यूनता के आधार पर, यानी कि सेल की कंडीशन कैसी है और इस प्रकार की कंडीशन के अंदर जल उस कोशिका के अंदर एंट्री करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो कितनी करेगा। तो जो फुल्ली स्टर्जिड सेल होती है उस कोशिका के अंदर जल जो है वो प्रवेश नहीं करता है, जो फ्लैसिड प्रकार की सेल है उसके अंदर जल जो है वो प्रवेश करेगा, और जो प्लाज्मोलाइट सेल है उसके अंदर जल अधिक मात्रा में प्रवेश करता है। तो ये 3 प्रकार की कंडीशन है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है अपना वो है जल विभव की, जल विभव की संकल्पना, जल विभव की संकल्पना कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल, क्या कहते हैं, जल विभव की संकल्पना कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल, और इसको हम साई, पी एस आई साई, ये पी साइलेंट है, यहां पर साई के सिंबल या चिन्ह या प्रतीक के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं।
जल विभव की संकल्पना। अब देखिए यहां बात करें कि पहली बात तो जल विभव क्या है। जल विभव, जल विभव यानी कि वाटर पोटेंशियल। क्या है? वाटर पोटेंशियल। तो इस जल विभव की जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो इसके अंदर हम लिखते हैं शुद्ध जल में अणुओं की विमुक्त ऊर्जा तथा किसी तंत्र में उपस्थित जल के अणुओं की विमुक्त ऊर्जा में जो अंतर है उसको हम क्या कहते हैं? जल विभव। मान लीजिए जल विभव की डेफिनेशन क्या होगी? शुद्ध जल है, शुद्ध जल में उपस्थित, शुद्ध जल में उपस्थित जल के अणुओं की विमुक्त ऊर्जा तथा किसी अन्य तंत्र में उपस्थित जल के अणुओं की विमुक्त ऊर्जा, एनर्जी, जो ऊर्जा में जो अंतर है उसे हम क्या कहते हैं? वाटर पोटेंशियल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जल विभव कहते हैं। और पहले बताया था जल विभव वाटर पोटेंशियल का जो चिन्ह है वो साई, जिसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। और इसका जो मानक जो है, माप जो है, या मानक जो है, इसको मापक क्या है? इसकी इकाई जो है वो बार। किसमें मापा जाता है? इसको बार यूनिट में इसको मापा जाता है। तो जल विभव का जो मात्रक है वो क्या होता है? बार। और इसे हम साई इस प्रकार के सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये है जल विभव। अब हम बात करते हैं शुद्ध जल का जो जल विभव है उसके बारे में। देखिए प्योर जो वाटर है, शुद्ध जल, शुद्ध जल, शुद्ध जल का जो जल विभव या वाटर पोटेंशियल जो है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है? शून्य। शुद्ध जल का वाटर पोटेंशियल क्या होता है? शून्य होता है। यदि हम इस शुद्ध जल के अंदर कोई सॉल्यूट मिलाते हैं, कोई सॉल्यूट यानी विलेय आप जब इसके अंदर मिलाते हैं तो इसका जो वाटर पोटेंशियल का जो मान है वो क्या हो जाता है? शून्य से भी कम हो जाता है। यानी कि ऐसा जल जिसके अंदर कोई सॉल्यूट मिलाया हुआ है, जिसे हम विलेय भी कह सकते हैं, विलयन भी कह सकते हैं, या सॉल्यूशन, ठीक है। शुद्ध जल जिसके अंदर किसी भी प्रकार का सॉल्यूट, विलेय पदार्थ जो है वो मिलाया हुआ नहीं है, तो उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो शून्य होता है। यदि हम इस शुद्ध जल के अंदर कोई सॉल्यूट मिक्स कर देते हैं, और जब ये जल क्या है, एक प्रकार का सॉल्वेंट होता है, क्या होता है? सॉल्वेंट, विलायक। जब हम इस विलायक के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? ये विलयन बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। और इस सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो शून्य से भी कम होता है, उसका मान जो है वो शून्य से कम, ठीक है। तो ये है जल विभव की संकल्पना, जिसके अंदर हम जल विभव की परिभाषा, शुद्ध जल का वाटर पोटेंशियल और इसके साथ विलयन का जो है वो वाटर पोटेंशियल के बारे में हम बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कोई भी पादप कोशिका है, कोई भी पादप जो कोशिका है उसके अंदर हम जल विभव को निर्धारण करने के लिए कुछ घटक होते हैं। किसी भी प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल में
जल विभव वाटर पोटेंशियल का निर्धारण करने के लिए करने के लिए तीन घटकों की आवश्यकता होती है और ये जो तीन घटक हैं वो है, पहला जैसे जल विभव, पहला जो है वो है साई एम, ठीक है, प्लस साई एस और प्लस साई पी। कौन कौन से है? तो देखिए, ये जल विभव हो गया, वाटर पोटेंशियल, यहां पर ये जो है ये किसका है? मैट्रिक। एम से क्या हो जाएगा? मैट्रिक पोटेंशियल। इससे क्या हो जाएगा? सॉल्यूट पोटेंशियल। और इससे क्या हो जाएगा? पी से जो है, पी का हो जाएगा प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला हम जल विभव के लिए लिख देते हैं कि इसके अंदर मैट्रिक पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल जो है वो काम में आता है। लेकिन हम बात करें पादप के अंदर, पादप कोशिका के अंदर जो ये मैट्रिक पोटेंशियल है ये लागू नहीं होता, क्योंकि ये परासरण की क्रिया के अंदर महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसलिए इस समीकरण को हम क्या लिख देते हैं? साई बराबर साई एस प्लस साई पी, कि सॉल्यूट प्लस प्रेशर। तो ये जो समीकरण है वो हम यूज करते हैं किसके अंदर? पादप कोशिकाओं के अंदर। वाटर पोटेंशियल साई इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो इनके बारे में फिर हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।